हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जानेंगे गुलाब जल घर पे कैसे बनाते हैं। तो जब भी स्किन केयर की बात आती है तो सबसे पहले गुलाब जल का नाम शामिल किया जाता है, क्योंकि गुलाब जल के इस्तेमाल से आप अपनी त्वचा को तरोताज़ा रख सकती हैं। इसका इस्तेमाल फेस मास्क के साथ टोनर के रूप में या स्किन क्लेंजर के रूप में भी किया जाता है, जो हमारी त्वचा को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाता है। वहीं अगर गुलाब जल घर में तैयार किया जाए तो बात ही कुछ और है। यदि आप भी चाहते हैं घर में ही गुलाब जल बनाना तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें और अंत तक बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें 5 से 6 फ्रेश गुलाब के फूल लेने हैं, और मेरे पास बहुत ही सारे थे, मतलब 10 ही 11 थे, इसलिए मैंने सभी को ले लिया है। फिर हम दूसरे बर्तन में इस तरह से रोज़ पेटल्स को अलग करेंगे। जब तक मैं इस रोज़ पेटल्स को अलग करती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब यहाँ देखिए मेरे रोज़ पेटल्स पूरे अलग हो गए हैं। तो अब हम इसे साफ़ पानी से धो लेते हैं। अब हम इन रोज़ पेटल्स को पानी में धोने के बाद एक अलग बर्तन या फिर बकेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बकेट ही लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इजीली पानी पूरा नीचे आ जाता है और फिर मेरा रोज़ पेटल्स जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमें गैस को ऑन करना है और एक पतीले में रोज़ पेटल्स को डाल देंगे और उसमें 3 से 4 कप पानी भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए पतीले के बीच में मैंने एक कटोरी डाला है। अगर आपके पास स्टैंड है तो वो ले सकती हैं, अदरवाइज़ ये कटोरी भी स्टैंड का काम अच्छा करता है। आपको बता दें कि कटोरी आप जो लोगे वो हैवी ही रहेगा, क्योंकि अगर लाइट रहेगा ना तो पानी में आप जब इसमें ऐड करोगे तो वो छहलाने लगेगी। इस स्टैंड पर अब हम एक कटोरी रखेंगे। ध्यान रहे कि इस पतीले से कटोरी छोटी ही होनी चाहिए। अब इस पतीले को आपको अच्छी तरह से बड़े बर्तन से ढक देना है, ताकि इसका वाष्प जो है वो बाहर नहीं आए, क्योंकि अगर वाष्प बाहर आएगा तो आपका गुलाब जल जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने ये देखा है कि इस कवर पे लोग आइस क्यूब रख देते हैं। आइस क्यूब जब मेल्ट होगा तो वही पानी तो आपका कटोरी में जाएगा ना। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी आइस क्यूब नहीं रखा है। हमें फ्लेम को लो कर देना और 10 से 15 मिनट तक आपको वेट करना है। मेरा 15 मिनट हो गया है। अब हम इस कवर को हटाएंगे। अब ये देखिए मेरा रोज़ पेटल्स का कलर जो है वो रेड था पहले, और अब देखिए ये यहाँ पर वो बिल्कुल वाइट हो गया है। और यहाँ देखिए मेरा गुलाब जल भी स्टोर हो चुका है इस कटोरी में। इस कटोरी को अब हम बाहर निकालते हैं। मेरा गुलाब जल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ये देखिए मेरा खाली सा बॉटल। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही DIY नेचुरली गुलाब जल बनाया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। अब इस बॉटल में ही हम रोज़ वाटर को स्टोर करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में जो गुलाब जल बनाया था उसमें आप 3 से 4 दिन ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाला वीडियो जो है वो बहुत ही दिनों तक आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ये मार्केट जैसा नेचुरली है। और मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स भी आए थे कि मेरा रोज़ वाटर का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, बट मेरा तो रेड ही था, जैसा कि आप लोग उस वीडियो में भी देख रहे थे। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से भी जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि पहले वाले वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये वाले वीडियो, दोनों में से ज़्यादा यूज़फुल आप लोग को कौन सा लगा। तो आप लोग ये वाला DIY ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खुद से DIY बनाने का कुछ अलग ही मजा है। ऐसे और भी ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे चैनल 99 कला को फॉलो करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।